और अब रुख खबर एक्सप्रेस का। एससीएसटी कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देशभर में दलित संगठनों का भारत बंद प्रदर्शन हिंसक हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई झड़प में जहां एक युवक की मौत हो गई है, तो वहीं ग्वालियर दो लोगों के मरने की खबर है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि मेरठ में प्रदर्शनकारियों ने जमकर काफी उत्पात मचाया। राजस्थान के बाड़मेर और मध्य प्रदेश के भिंड में दो गुटों में हुई झड़प में करीब 30 लोग जख्मी हो गए हैं। बाड़मेर में कई वाहनों में आग लगाई गई। पंजाब, बिहार और ओडिशा में भी बंद का व्यापक असर रहा। यहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ रेल रोकी बल्कि सड़क जाम कर परिवहन व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया है। पंचकुला में भी सैकड़ों की संख्या में एससी एसटी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर वाल्मीकि ने अध्यक्षता में प्रदर्शन कर रहे पंचकुला में ही नहीं गोहाना, फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित समाज के लोगों ने पंचकुला राजीव कॉलोनी से लेकर लघु सचिवालय स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर कूच किया, जहां डीसी पंचकुला के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी एक्ट को खत्म करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एससी एसटी एक्ट पर दलित समाज के विरोध का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने एक्ट पर किए बदलाव के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि कोर्ट इस पर एक बार फिर से विचार करे। इसी बीच केंद्र सरकार ने एससी एसटी एक्ट पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने यह भी कहा कि हम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित समाज ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। कई संगठनों की ओर से भारत बंद को सफल बनाने की अपील के बाद अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। हरियाणा में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में भारत बंद के समर्थन में बाजार और दुकानें बंद हैं। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों के समर्थन के बाद भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित समाज के भारत बंद के ऐलान को देखते हुए हरियाणा में प्रशासन अलर्ट पर है। किसी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। बंद का समर्थन करने वाले संगठन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन को वापस लेने के लिए पहले की तरह लागू करने की मांग कर रहे हैं। जुलाना में भी एससी एसटी एक्ट को लेकर सभी संगठनों ने इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि दलित समाज पहले ही कमजोर है, इस एक्ट से वो और कमजोर बनाया जा रहा है। इस प्रकार के आदेश के खिलाफ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा पुनः विचारणीय याचिका की मांग की गई। एससी एसटी एक्ट में किए गए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित समाज के लोगों ने गुरुग्राम में भी जमकर हंगामा बरपाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद के ऐलान के बाद गुरुग्राम में भी सैकड़ों लोगों ने सदर बाजार बंद कराने के बाद हाईवे जाम कर दिया। अंबाला के अनाज मंडी में एससी एसटी एक्ट के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी महासंघ, सफाई मजदूर संघ और अंबेडकर आंदोलन, हरियाणा के हजारों कर्मचारी अंबेडकर पार्क रवाना हुए। साथ ही संशोधन के खिलाफ बाजारों में प्रदर्शन शुरू किया गया। ये प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रहा है। दलित संगठन केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की मांग कर रहे हैं। दलित समुदाय के सड़कों पर उतर से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां देश के ज्यादातर हिस्सों में भारत बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों के सड़क पर आ जाने की वजह से लंबा जाम देखने को मिला। हरियाणा में भी लोगों को जाम के जाम से दो दो हाथ होना पड़ा। भारत बंद के तहत एससी एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में दलित समाज सड़कों पर उतर आया है। वहीं ये प्रदर्शन रविदास मंदिर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक किया गया। इस प्रदर्शन के चलते हांसी चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा रहा। बताया जा रहा है कि विरोध के बावजूद भी दुकानें और बाजार खुले रहे, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। प्रदेश
भर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से पीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। यमुनानगर में एससी एसटी एक्ट को लेकर जगाधरी से हजारों की तादाद में दलित संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने दुकानों पर बंद रखा है, वहीं दूसरी तरफ रोडवेज व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। एससी एसटी एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने रतिया में भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। एससी एसटी एक्ट के विरोध में फरीदाबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कहा है कि एक्ट में बदलाव के विरोध में शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार भेदभाव की नीतियों के चलते दलितों के खिलाफ बड़ी साजिश कर रही है। वहीं गुरुग्राम में भारत बंद के विरोध में कन्हाई गांव के लोगों ने जाम लगाया। इस जाम के चलते पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। एससी एसटी एक्ट को लेकर पूरे देश का दलित आज भारत बंद में शामिल हुआ। गोहाना में भारी संख्या में दलितों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। पूरे शहर से जुलूस निकाला गया। जुलूस में कई सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। एससी एसटी एक्ट में किए गए संशोधन पर पुनर्विचार की मांग को लेकर संत रैदास तख्त हरियाणा ने कलायत में प्रदेश स्तरीय दलित महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक मांग को पहुंचाने के लिए सर्वसम्मति से भावी रूपरेखा तय की है। दलित समाज के विरोध प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है। संघ और बीजेपी के इशारे पर षड्यंत्र रचा गया। दलितों के अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है। हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार को पहले पिटीशन डालनी चाहिए थी। एक और जहां एससी एसटी एक्ट को लेकर पूरे प्रदेश में दलित समाज में नाराजगी है, तो वहीं करनाल पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही तंवर ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तंवर ने यह भी कहा कि संघ परिवार और बीजेपी के इशारे पर यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी एक्ट में नई गाइडलाइंस जारी किया जाने के बाद फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिगड़े हालातों को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार दलितों के साथ है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, मगर उनकी सरकारी दलितों की ओर से रिव्यू पिटीशन डालेगी। इसी के साथ ही मंत्री विपुल गोयल ने सभी दलित संगठनों से शांति की अपील की है। आरक्षण हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की वापसी, जेलों में बंद समाज के लोगों की रिहाई और आरक्षण की दिए जाने की मांग को लेकर सिवानी में चल रहे धरने के 27वें दिन कमान समाज की महिलाओं ने संभाली। जाट समाज की इन महिलाओं ने धरना स्थल से लेकर मुख्य सड़क तक सरकार के खिलाफ काले झंडे लेकर जुलूस निकाला और सीएम के पुतले को बीच में रखकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने टोहाना में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग को लेकर लगातार 3 दिन तक इंदिरा गांधी कॉलेज और टोहाना शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्र नेता अजय बिश्नोई सहित एनएसयूआई के दर्जनों छात्र नेताओं के सांझे नेतृत्व में अपना हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र उपमंडलाधीश को सौंपा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंचकुला में नाराज कंप्यूटर टीचर और लैब सहायक फिर से सड़कों पर उतरे। सेक्टर 5 में शिक्षा सदन के घेराव के लिए कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग रोक दी। बता दें कि 5000 कर्मचारी बढ़ा हुआ वेतन न मिलने से नाराज है। शिक्षा विभाग पर मुख्यमंत्री के आदेश न मानने का आरोप लगाया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से नया सत्र शुरू हो चुका है। स्कूलों में इस बार नए सत्र की शुरुआत से पहले ही पहली से लेकर 5वीं और 7वीं कक्षा के सिलेबस की किताबें स्कूलों में पहुंचा दी गई हैं। इसके साथ ही विभाग का यह भी कहना है कि 6ठी और 8वीं कक्षा की किताबें भी जल्द ही स्कूलों में पहुंचा दी जाएंगी। सरकार ने इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही इस ओर ध्यान दिया है। स्कूल में पाठ्यक्रम की किताबें देरी से पहुंचने की वजह से बच्चों को सिलेबस वक्त पर पूरा नहीं हो पाता था, जो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए चिंता का विषय बना होता था। साथ ही इसका असर स्कूलों के रिजल्ट पर भी पड़ता दिखाई देता था, लेकिन इस बार जिले में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें स्कूल में पहुंचा दी गई है।
सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं क्लास तक के बच्चों को पाठ्यक्रम की किताबें सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। फतेहाबाद में एक सरपंच पर युवक ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें सरपंच पूरी तरह से जख्मी हो गया। दरअसल कोरिया गांव के सरपंच का किसी बात को लेकर एक अज्ञात युवक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक ने ईंट पत्थरों से सरपंच पर हमला कर दिया। हमले के बाद सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अम्बाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में मोहरा गांव के पास बनी गई अनाज सब्जी और चारा मंडी में गेहूं खरीद के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों की गेहूं फसल को बरसात से बचाने के लिए 67,600 क्विंटल जूट और पॉलिथीन की 2100 गांठों का प्रबंध किया गया है। साथ ही किसानों के लिए सुलभ शौचालय सहित पीने के पानी और बिजली की भरपूर व्यवस्था की गई है। हथीन पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उसके पास से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नवंबर 2017 में केसुपुरा कोटली गांव की युवती को राजस्थान का एक युवक भगा कर ले गया था, जहां रविवार को युवक अपनी प्रेमिका का शव लेकर एलनाबाद थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचित किया। फिलहाल पुलिस ने युवक को अपने हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 5 महीने पहले युवती के फरार होने से ही परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया था। अम्बाला के गांव कोला निवासी नरेश कुमार ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध से परेशान होकर ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कैंट नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना की सूचना मिलने पर युवक के परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही परिजनों ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। पलवल के गांव पातली खुर्द के पास खेतों में एक शख्स ने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रदेश में महिला अपराध चरम पर है। आए दिन महिलाओं और मासूमों के साथ हैवानियत की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जहां मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म का आरोपी 45 साल का शख्स है। पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। बदमाशों को पुलिस और कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। ताजा उदाहरण सोहना में देखने को मिला, जहां सोहना थाना के पास एक 50 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मकान की गैलरी में पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि उस समय महिला घर पर अकेली थी और उसके बेडरूम में भी बिस्तर पर खून के धब्बे पाए गए। महिला का पति और बेटा इस दौरान घर से किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में अक्सर कुत्तों के आतंक की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक कुत्ते ने छोटे बच्चे पर हमला कर उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। वीडियो से साफ पता चल रहा है कि जिस तरह कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया है, उससे कुत्ता मानसिक रूप से सही नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस कुत्ते ने इलाके के 3 लोगों को घायल कर दिया है। कैथल कनाल रोड पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस हादसे की वजह से 3रा ट्रक का संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद 2रा ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी के गांव अलकपुरा में फुटबॉल की जुनूनी लड़कियों के एक ग्रुप ने अपने स्कूल के कोच पर इतना प्रेशर बनाया कि उन्हें कबड्डी खो खो छोड़कर मजबूरन फुटबॉल कोच बनना पड़ा।
और उस कोच की फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां इस खेल की आला खिलाड़ी बन गई हैं। एक छोटे से गांव की ये टीम सिर्फ 12 साल में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा कर चुकी है। इमरान खान की फिल्म ब्लैकमैन 6 अप्रैल को रिलीज होगी। बिग बी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि फिल्म बेहद दिलचस्प है, साथ ही कि उन्होंने ये भी कहा है कि फिल्म की कहानी को भी अनोखा बताया है। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन आज अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्शन हीरो के नाम से पहचाने जाने वाले अजय देवगन ने कॉमेडी में भी अपना शानदार हुनर दिखाया। आपको बता दें कि काजोल से अजय की मुलाकात हलचल के सेट पर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और शादी के बंधन में बंध गए। खबर एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।